भगवान देव आत्मा जी का जन्म श्री अकबरपुर यूपी में 20 दिसंबर 1850 को हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक विद्या श्री अकबरपुर से ली और उन्होंने अपनी आगे की विद्या थॉम्सन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की से पूरी की। 1873 को वो लाहौर में चले गए और वो ब्रह्मो समाज के एक्टिव मेंबर भी रहे। इसके बाद 1882 में उन्होंने जीवन व्रत अपनाया। उस दिन उनका नाम श्री सत्यानंद अग्निहोत्री पड़ा। फरवरी 1887 में उन्होंने देव समाज की स्थापना की। उन्होंने विद्या के दान के लिए विद्या के मंदिर बनवाए। देव समाज की आज अलग अलग शाखाएं चल रही हैं, देव समाज मंदिर बठिंडा, देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर, देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन चंडीगढ़। टुडे वी आर गोइंग टू सी द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर ऑफ IIT रुड़की। लेट्स सी द रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब प्लस चैनल। संसार में निगाह मारकर देखें तो हम पाएंगे कि दुख और तकलीफ बहुत है। लोग हमारे चारों तरफ बड़े परेशान दिखेंगे, दुखी दिखेंगे, स्माइली फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर भेजने वाले भी रियल लाइफ में मुस्कुराते नहीं हैं। ना वो खुद खुश हैं, ना उनसे लोग खुश हैं। बहुत कम इंसान मिलता है जो हाथ खड़ा करे पूछो कि खुश हो, तो बड़े मुश्किल से 2-4 आदमी मिलेंगे 100 में से जो कहेंगे खुश हैं। और ये भी पता नहीं जो खुश हैं वो भी किस बात से खुश हैं, वो खुशी उनकी आत्मा के लिए विकासकारी भी है कि नहीं, ये भी पता नहीं है। तो 3 मुख्य कारण मेरे सामने आ रहे थे। कि लोग रह तो रहे हैं दुनिया में, लेकिन उनको रहना नहीं आता। पहली समस्या क्या है? रह तो रहे हैं, रहना नहीं आता। परिवार में रह रहे हैं, परिवार में रहना नहीं आता। सत्संग में आते हैं तो सत्संग में रहना नहीं आता। नौकरी करते हैं तो साथी कुलीग्स के साथ रहना नहीं आता। पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों के साथ रहना नहीं आता। कुल मिलाकर उनको दुनिया में रहना नहीं आता। दूसरी समस्या यह है कि लोगों को कहना नहीं आता। कब क्या कहना है, कितना कहना है और कैसे कहना है, किसको कहना है और कब चुप रहना है, ये नहीं पता चलता। उससे बड़े पुआड़े पड़ते हैं, बड़े झगड़े पैदा होते हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, तब क्यों नहीं कहा और अब क्यों कह दिया, कहना नहीं आता। और तीसरी समस्या जो मेरे सामने आ रही थी कि लोगों को सहना नहीं आता। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो मेरी बारी फिर सहने की है। कब सहना है, कब नहीं सहना है, कई बार चुप रहना भी ठीक नहीं होता, कई बार बोलना भी ठीक नहीं होता, दोनों स्थितियां होती हैं। तो कितना सहना है, कब सहना है, कब नहीं सहना है, क्या सहना है और क्या नहीं सहना है। तो 3 विषय हैं हमारे सामने। रहना नहीं आता, दूसरा कहना नहीं आता और तीसरा सहना नहीं आता। आज सुबह से जब मैं इस पर चिंतन में था, इन 3 विषयों के ओरिएंट हो रहा था, तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा जो हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके श्री चरणों में मेरा बार बार हृदय झुक रहा था और हाथ जुड़ रहे थे, सिर झुक रहा था कि भगवान आपने हमें ये 3 चीजें बखूबी सिखाई हैं। रहना भी सिखाया है और कहना भी सिखाया और सहना भी सिखाया। और हृदय से एक ही बात निकल रही थी कि हे दाता, हे भगवान, आपका क्या हो, शुभ हो। प्रणाम करता हूं भगवान के श्री चरणों में। घर में कैसे रहना है, जहां नौकरी करते हैं, जहां पढ़ते हैं, सफर में हैं, कहीं पर भी हैं, सड़क पर भी हैं, कैसे रहना है, कैसे चलना है।
कम से कम पाओ, अधिक से अधिक करो, खराब कम करो, साफ ज्यादा करो, लो कम दो ज्यादा। ऐसे रहेंगे तो कहीं भी आराम से रह पाएंगे। गुणों को देखेंगे जहां भी रहेंगे, चाहे वो साथी विद्यार्थियों के हों, अगर टीचर हैं तो अपने विद्यार्थियों के हों, स्टूडेंट हैं तो अध्यापकों के अंदर हों, माता पिता हैं तो अपने बच्चों के और अपने माता पिता के, और खाली संतान ये तो अपने बड़ों के। जिस भी संबंध में हम कहीं भी रह रहे हैं, हम खुश तभी रह पाएंगे जब हम गुणों को देखेंगे। अब गुण तो हैं, कोई मना नहीं कर रहा, अवगुणों को देखने की आंख भी है, कमाल तो है। इस कमरे में बिना एफर्ट किए सफाई नहीं होती, लेकिन इस कमरे में कितने ही सुंदर हो, छह महीने के लिए हम सब चले जाएं और कोई एफर्ट ना करें तो डस्ट अपने आप आती है। ध्यान रखिए, नेगेटिविटी अपने आप फ्लो करती है, पॉजिटिविटी को फ्लो करवाना पड़ता है। जाले अपने आप आ जाते हैं, बुलाने नहीं पड़ते। आप किसी कमरे को बहुत दिन तक ना छेड़ें, आपको जाले दिखाई देंगे, छोटे हों बड़े हों जैसे भी लेवल के आ जाएं, आएंगे, डस्ट आएगी आएगी, लेकिन सफाई करनी पड़ती है। आप जब नेगेटिविटी में रहेंगे किसी के प्रति, रह रहे हैं किसी के साथ और उसके प्रति नेगेटिव हैं, उसकी नेगेटिविटी भी वाजिब में है, वाकई में है उसके अंदर कमी, लेकिन उस कमी को बार बार चिंतन करते रहेंगे तो आप गुनगुना नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? भुनभुनाएंगे। खुश कौन रह सकता है? जो गुनगुनाएगा जिंदगी में या भुनभुनाएगा? जो गुनगुनाएगा। महाराज ने बड़ी कृपा की है कि गुनगुनाने की कला सिखाई है। घर में नेल कटर रखा हुआ है, कैंची रखी हुई है, नाखून बड़े हुए हैं, अपने आप नेल कटर आके नहीं चलेगा हाथ पर, मुझे उठाकर काटने पड़ेंगे। झाड़ू रखी हुई है, डस्टर कपड़े रखे हैं, वैक्यूम क्लीन रखा है, लेकिन मुझे चलाना पड़ेगा तब डस्टिंग हो पाएगी, तब जले उतरेंगे। भगवान ने दे दिया, गुरु ने दे दी, राह बता दी कि गुनगुनाने की राह यह है और भुनभुनाने की राह यह है। भुनभुनाने के लिए चलना नहीं पड़ता, भुनभुनाट अपने आप होती है, लेकिन गुनगुनाने के लिए चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। भगवान ने गुण चिंतन की राह बताई है, जहां जहां किसी कमी दिखती है सारे गुण भी दिखते हैं, इसलिए भुनभुनाट नहीं होती, इसलिए उससे फिर मिल लेते हैं आराम से। कमियां भी दिखती हैं, उसके अच्छे पॉइंट्स भी दिखते हैं, अच्छे पॉइंट ज्यादा दिखते हैं इसलिए गाड़ी खींच जाती है, इसलिए मन हरा भरा रहता है, और फिर भगवान को धन्यवाद देने मन करता है कि भगवान आपने क्या कमाल कर दिया, इस दुनिया में रहने की आपने हमें कला सिखा दी, कि जितना हम गुणों को अधिक देखेंगे, अवगुणों पर कम ध्यान ले जाएंगे, उनके अवगुणों से सावधान रहेंगे नो डाउट, लेकिन चिंतन अधिक, फोकस अधिक गुणों पर करेंगे, ताकि हम भुनभुनाए ना रहे, हर समय गुनगुनाते भी रह पाए। जो किसी ने नहीं किया उसको भी याद रखते हैं नेचुरल वे में, ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन जो किया है उसको अगर याद रखेंगे तो भुनभुनाएंगे नहीं, गुनगुनाएंगे। तो गुणों पर चिंतन, उपकारों का स्मरण, कम से कम बोझ देना, अधिक से अधिक क्लिक करना, इन सब स्थितियों के द्वारा हम कहीं पर भी बहुत आराम से रह सकते हैं, शोर में भी शांत रह सकते हैं, और भुनभुनाने वालों के बीच में भी गुनगुना सकते हैं। यह मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है, गुनगुनानों के बीच वालों के बीच में भी भुनभुना सकता है,
अभी एक जगह लेक्चर कहीं थोड़ी देर का देने का अवसर मिला कुछ दिन पूर्व, तो वहां प्राय 200 सीनियर सिटीजन थे, 70-80 के आसपास की उम्र के। तो मैंने कहा मेरे साथ दुराई है आप, अगर आप खुश रहना चाहते हैं कि हम भुन बुनाएंगे नहीं। अब वो पूरे दम से आवाज निकाल रहे थे। मैं कहा देखिए कितना एक्सेप्ट करना मुश्किल है, आधे अभी भुनभुना गए होंगे कि होता कौन है हमसे रिपीट करवाने वाला। इतनी बात में हम तो इतने भुनभुना जाते हैं कि अभी यही कहा कि आओ मिलकर कहें कि हम भुनभुनाएं, मैं भी तो उसमें शामिल हूं भाई, कि आओ हम संकल्प लें कि हम भुनभुनाएंगे नहीं, जिंदगी में गुनगुनाएंगे। ये सुनते सुनते भी कई भुनभुना गए होंगे कि होता कौन है हमें ये कहने वाला कि हम भुनभुनाते हैं, और हमें संकल्प कराया गया है, बहुत बड़ी चीज आया कि हमें बताएगा कि हम गुनगुनाएं। इतनी इतने कमजोर हैं अभी भी, हम इतने वीक हैं अभी। चीज को समझें कब, अपनाएं कब, खुश कब होंगे, वो तो बाद की बात है, अभी तो संकल्प ही लेना है, वो भी लेने भारी पड़ रहा है। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें रहने की कला सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इस पर चिंतन कर रहा था कि कहा चाहे वो मैसेज के द्वारा जाए, चाहे वो पत्रिका के द्वारा लेख लिखकर कहा जाए, पुस्तक के द्वारा कहा जाए, या कहीं आपको बुलाया जाए, हर समय डिमांड रहती है कि आप आओ तो बताओ। अब कितना समय दे पाए अलग बात है, लिखने की डिमांड बनी रहती है, बोलने की डिमांड बनी रहती है, यहां तक कि मैसेज भी कोई जाता है उस पर भी लोग क्लैपिंग्स और धन्यवाद देते रहते हैं। हे भगवान, आपने हमें कुछ कहना सिखा दिया। कहने की बात वो होती है जो अपना भी भला करे, दूसरे का भी भला करे। अपने कहने वाली बात वो होती है, वो बात कही जानी चाहिए जिससे मेरे भी आत्मा का हिस्सादन होता हो, मेरी भी पॉजिटिविटी बढ़ती हो, मेरी भी सोच बेहतर होती हो, भाव बेहतर होते हो, और किसी पढ़ने वाले के भी भाव बेहतर होते हो। कई लोग अपने आप में अच्छा जीते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। शेयरिंग बहुत बड़ी चीज है, अगर आप किसकी केयर करते होंगे तो शेयर भी करते होंगे। जिसकी आप केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो जब कुछ खाने लगते हैं तो पहले ख्याल उसका आता है। आप कहते हैं इतनी पड़ी है, बाकी तो खीर खत्म हो गई थी, एक कटोरी पड़ी है, तो जिसकी केयर होगी घर में तो आदमी कहेगा भाई आधी तू खा ले। तो केयरिंग के साथ शेयरिंग आई, और केयरिंग तब करेगा जब प्यार करते हो किसी को। ये अपने आप को प्यार नहीं कर रहा अभी, ये अपनी सेहत का दुश्मन है, अपनी आत्मा का दुश्मन है। जो नशों में फंस जाता है वो अपनी सेहत का दुश्मन है, अपने धन का दुश्मन है, अपनी इज्जत का दुश्मन है, अपनी आत्मा का दुश्मन है। कहां जाना है, मंजिल कहां है? दूसरों को प्रेम करेंगे, अपने दिल का दायरा बड़ा करेंगे, उनसे स्नेह होगा, उनसे प्यार होगा, तो उनकी केयर करेंगे, केयर होगी तो शेयर करेंगे। और शेयरिंग के बहुत से तरीके हैं, बांटने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपकी वाणी, आपके बोल, आपकी लेखनी एक बहुत बड़ा माध्यम है। चुप रहने से कम नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान बोलने से होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए एक चुप 100 सुख। लेकिन इसमें यह भी सत्य है कि कई बार चुप रहना भी खतरनाक होता है। आधी बात बताई गई, एक चुप 100 दुख। सही समय पर आप बोले नहीं, अगर टुपटा बैठे रहे, टुपटा मतलब चुपचाप है ना, कोई तोतले थे उनको कह दिया गया तुम टुपटा बैठना भाई, बोलने में बताने वाले तोतले, सब तोतले इकट्ठे, तो हर जगह चुपचाप रहना भी उचित नहीं है, दिल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर चुपचाप नहीं रहना तो बोलना है, लेकिन बोलने का भी सलीका, उस बात को कहने का भी सलीका होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम वो अपनी बात किसी को कहते हैं, वो इस ढंग से कहते हैं, वही उखड़ जाता है हमारे से, वो कहते हैं इसको बोलने का तरीका ही नहीं। बात ठीक कह रहे हैं, ये बाप की बात ठीक गलत बाद की बात है, पहले सलीका होना चाहिए। तो
तो मैं महसूस कर रहा था लोग हमसे सुनना चाहते हैं, लोग आके बात करना चाहते हैं, लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं। बहुत सीनियर लोग जो अपने आप को काफी योग्य समझते हैं, योग्य हैं भी, वो भी कहते हैं कि आप बोलिए, ये बोलेंगे तो ठीक बोलेंगे। भाई ये बोलना किसने सिखाया कि लोग सुनना चाहते हैं आपको? तो हृदय से एक बात निकलती है, क्या? हे भगवान आपका शुभ हो। आपने रहना सिखा दिया और आपने कहना सिखा दिया। नहीं तो कह कहकर कितनों के दिल तोड़ते, बहुत कुछ कहा जा सकता था, रोका है कि नहीं कहना। कह कर कह रही कितनों को दूर किया जा सकता था। कि हम तो सच्चाई बता रहे हैं, जहां सुनने वाला नहीं आपकी सच्चाई को बता के क्या करोगे भाई? तो कहीं चुप रहना हितकर है और कहीं कहना हितकर है। ये बैलेंस क्रिएट करना सिखाया कि नहीं अब कहो और अब चुप रहो। उसके लिए जो टॉर्च है, भगवान की शिक्षा है, वो अपने आप में मार्गदर्शिका है हमारे लिए। कितनी बड़ी सौगात है अगर हम इस ट्रेनिंग को हासिल कर लें जो भगवान ट्रेन करना चाह रहे हैं। जितना हम शिक्षा से जुड़ते हैं, जितना उनको समझते हैं, उनके जीवन को समझते हैं, उनकी फिलॉसफी को समझते हैं, उनके साधनों से जुड़ते हैं, हमारी ट्यूनिंग होती जाती है। पता चलता जाता है कि कहां कहां गलत कहा गया और कहां का गलत चुप रहा गया। समझ में आता है, क्लियर दिखता है। और तीसरी कृपा, भगवान आपने सहना सिखा दिया। कितनी बड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं लाइफ के अंदर कि अगर इंसान के अंदर ये गुण ना आए। कौन सा? सहनशीलता। मैं पहले भी कई बार इसको अर्ज किया है कई मुकाम पर कि सहनशीलता ताकतवर का गुण है, कमजोर का नहीं। कभी कमजोर व्यक्ति सहनशील हो ही नहीं सकता। और सहनशीलता अपने से कमजोर के प्रति होती है, ताकतवर के प्रति नहीं। जैसे हमारे IIT में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बेचारे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, आमतौर पर टीचर का ही बोलते ही नहीं, गाइड के स्टूडेंट बोलते ही नहीं। तो स्टूडेंट समझे बड़ा सहनशील हूं, तो मैं सहनशील होकर करोगे क्या? डिग्री कमाओगे अपनी, ग्रेड कम कराओगे अपना, आमतौर पर ये रिजल्ट निकलेगा। ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता अपने से कमजोर के प्रति है कि जो आपसे आयु में कम है, एजुकेशन में कम है, आपसे पोजीशन में कम है, उम्र में छोटा है, जिसको आप दबा सकते हैं, जिसकी हानि कर सकते हैं, उसकी किसी बात को आप कैसे सहन करते हैं? दैट इज द पॉइंट। सड़क पर निकले, गलत ओवरटेक किया एक मोटरसाइकिल वाले ने, पीछे लिखा था पुलिस, ऊपर लिखा दरोगा, तो कहते गलत तो बहुत किया था उसने, लेकिन मैं सहनशील रहा, मैंने उसे पंगा नहीं लिया। ये कोई सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता तब पालती है जब कोई रिक्शा वाला है, बेचारे फटे कपड़े हैं, उसको चलाना नहीं आता, कुछ किसी मूड में है, गलत काटा उसने और आपको थोड़ा टकरा गया, बस फिर जो है झप्पड़ लगाते हैं लोग उसके, फिर वहां सहनशीलता पर चलती है। जहां आप कर सकते थे अटैक, जहां आप पावरफुल थे, और वहां आपने अपनी प्रतिक्रिया को रोका और उसको दरगुजर कर दिया बात को। तो जिंदगी में, संबंधों में, साथियों के साथ, हां बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, कई ऐसे मौके आए साई लाइफ को अगर देखा जाए कि यहां भी सहा, वहां भी सहा, वहां भी सहा, लेकिन सहने का कुल मिलाकर रिजल्ट पूरा लाइफ को आप सर्च करके समझ में आता है क्या रहा? हितकर रहा। अगर सहने की शक्ति ना होती तो संबंध खत्म हो गया होता, बिगड़ गया होता। सहकर बड़प्पन दिखाकर अपने आत्मबल को बढ़ाने का अवसर मिला। बहुत से ऐसे पत्र लिखे गए, बहुत से ऐसी बातें कही गई, बहुत कुछ हुआ जो गलत थी, पता था गलत है, लेकिन सहने से क्या हुआ? वो संबंध बने रहे, वो चीजें बनी रहीं,
अंततः वही लोग क्लैप करते हैं, वही लोग अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग सही रास्ते पे आते हैं, नहीं तो सुमन टूट गए होते उन लोगों से, उनका भला कैसे करते। पूजनीय भगवान ने, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपने जीवन का एग्जाम्पल दिया है। आप देखिए इन तीनों पक्षों में एग्जाम्पल दिया है, हमारे टॉर्च है, वो लाइट हाउस है, बिल्कुल जुदा प्रकृति रखकर, देव प्रकृति रखकर, शुभ अनुरागी और सतनुरागी होकर, सुख अनुरागी मनुष्यों के बीच में प्राय 80 साल रहकर दिखाया कितना मुश्किल काम है, सिर्फ देवात्मा जानते हैं, रहकर दिखाया। बहुत सरल सादा भाषा में जो कहना चाहिए वो कहकर दिखाया, कोई ऐसा गम और तकलीफ नहीं है जो सही जा सकती थी और उसको सहकर ना दिखाया। दुश्मनों का भी, हानि करने वालों का भी, अपनी मंगल कामनाओं में उनका भी भला चाहा और भला किया। तुम्हारे बड़े सौभाग्य हैं कि जिंदगी की समस्याओं में तीनों पक्षों में कैसे रहना है और क्या कहना है और कैसे सहना है, क्योंकि लोगों को न रहना आता है, न कहना आता है और न सहना आता है। हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि हमें ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं जिन्होंने रहकर भी दिखाया है, कहकर भी दिखाया है और सहकर भी दिखाया है, और हमें भी इस काबिल बनाया है कि हम अपनी योग्यता के अनुसार इन पक्षों में विकास करें। और विकास की कोई सीमा नहीं होती, हम कितना और बेहतर रह सकते थे और रह सकते हैं ये भगवान की ज्योति दिखाती है, कितना अच्छा हम कह सकते थे और आने वाले में कितना हम कह सकते हैं ये भी भगवान की ज्योति दिखाती है, और कितना और सहना चाहिए था और कितना अभी और सहना है ये भी भगवान की ज्योति दिखाती है, कि जितना सहेंगे, जितना तपेंगे, उतना आत्मा में निखार आएगा। हम सब तीनों कलाएं सीख सकें, रहने की और कहने की और सहने की। बोली सबका शुभ हो, सबका भला हो।